क्या इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर, पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। कैसा प्रयास ढूंढना ही होगा। दोस्तों, आज मैं अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज मूवी का रिव्यू करने वाला हूं। जब मैं इस फिल्म को देखा तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी फिल्म, और यह रानीगंज में बीते सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। जिस तरह जसवंत सिंह ने माइनर्स को बचाया है, सच में बहुत ही काबिले तारीफ है। और अक्षय कुमार जिस तरह इस फिल्म में काम किया है, ऐसा फील होता है जैसे सच में जसवंत सिंह को इस फिल्म में हम सब देख रहे हो। कहीं भी बोरियत फील नहीं होती है। मेरे हिसाब से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार जरूर मिलना चाहिए। मतलब ऐसा लगता है कि वह सभी घटनाओं को सच में उस वक्त के कैमरे में कैद किया हो या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो। और वही फिल्म के फर्स्ट हाफ में जसवंत सिंह का दिनचर्या दिखाया जाता है, जो लगभग 15 से 20 मिनट का ही होता है, जो जसवंत सिंह के रूप में अक्षय कुमार और उनकी पत्नी निर्दोष कौर के रूप में परिणीति चोपड़ा अपनी भूमिका निभाई है। देखते ही देखते फिल्म की कहानी बहुत जल्द दुखद में बदल जाती है। जिस मकसद से इस फिल्म को बनाया गया है, मूवी के अगले 25 मिनट के बाद से ही माइनर्स के कोयले के खदान में फंसने की कहानी को दिखाया जाता है, जिसमें पूरे बस्ती के लोग और माइनर्स के परिवारों को यह खबर सुनते ही सभी लोग माइनर्स मैनेजर के पास आ जाते हैं। चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती है। तभी जसवंत सिंह यानी अक्षय कुमार की एंट्री होती है। फिर जसवंत सिंह बिगड़े हालात को समझते हैं, और इसके तुरंत बाद ही जसवंत सिंह माइनर्स के परिवारों के बातें सुनकर नीचे फंसे सभी माइनर्स को बचाने में लग जाते हैं। और बहुत कोशिशों के बाद जसवंत सिंह एक तरीका सोचते हैं और नीचे फंसे सभी माइनर्स को जिंदा पता करने के लिए ऊपर से खदान के रास्ते एक होल करवाते हैं, जिससे माइनर्स का पता चल सके। और अंधेरा होने की वजह से उसमें एक रस्सी से टॉर्च को बांध कर नीचे भेजते हैं, ताकि माइनर्स टॉर्च तक पहुँच पाए। और इससे जसवंत सिंह को माइनर्स को जिंदा होने या न होने की खबर पता चल सके। इधर माइनर्स भी खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे में उम्मीद बरकरार रखते हैं, और सभी माइनर्स खदान के सबसे ऊंचे पॉइंट पर आ जाते हैं। पर अभी भी माइनर्स उस टॉर्च तक नहीं पहुंच पाते हैं, और कोई भी रिस्पांस न मिलने के कारण जसवंत सिंह के साथ साथ सभी की उम्मीदें भी टूट जाती है, जिससे बस्ती के लोग जसवंत सिंह पर भड़क जाते हैं और जसवंत सिंह इस खेल में खुद को दोषी मानते हुए घर लौटने लगते हैं। पर तभी हॉल से माइनर्स की आवाजें सुनाई देती है। फिर जसवंत सिंह 65 माइनर्स की जिंदा होने की खबर सभी कर्मचारी और उनके परिवारों को सुनाते हैं, जिससे सभी के दिलों में फिर से उम्मीद की लहर दौड़ उठती है। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब शुरू होती है। जसवंत सिंह की मुश्किलें और बढ़ जाती है। चुनौती यह है कि अब इन सभी माइनर्स को जिंदा वापस कैसे बचाया जाए। पर जसवंत सिंह भी हार नहीं मानते हैं और माइनर्स के लिए पहले खाने का इंतजाम करवाते हैं, फिर यह पता करवाते हैं कि नीचे खदान में कौन सी जहरीली गैस बन रही है। और इंटरवल के बाद मूवी के सेकेंड हाफ में माइनर्स को जहरीली गैस के बारे में सभी को पता चल जाती है, जो भोला नाम के माइनर सभी माइनर्स को डराने की कोशिश करने लगता है, जो इस किरदार को करने वाले हैं भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन। भोला को किसी भी तरह जसवंत सिंह समझाते हैं और हालात को अपने काबू में लेते हैं। इसके बाद जसवंत सिंह नीचे खुद माइनर्स के पास पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे नंबर के हिसाब से माइनर्स को बाहर निकालना शुरू करते हैं। पर मुश्किल तो यह थी कि अगर माइनर्स को खदान से जल्दी बाहर न निकाला जाए तो पानी का बांध अगले 40 मिनट में पूरे खदान में समा सकती है, जिससे सभी माइनर्स की मौत होना तय है। समय के अभाव में भी जसवंत सिंह अपनी जान का परवाह किए बिना एक एक करके माइनर्स को बाहर निकालते ही जाते हैं, चाहे माइनर्स को निकालने में 15 मिनट ही क्यों न लगे। हालात चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, जसवंत सिंह माइनर्स को जीने का हौसला बरकरार बनाकर रखते हैं। पर इसी बीच समय समाप्ति की घोषणा शुरू हो जाती है, जो अब 4 मिनट में 40 माइनर्स को बचाना होता है, जो किसी भी तरह यह संभव नहीं है। पर जसवंत सिंह इस नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं और रास्ते में कई कठिनाई आने के बाद भी सभी माइनर्स को बचाने में सफल हो जाते हैं। जसवंत सिंह इस मिशन को पूरा करने के बाद रानीगंज में अपना इतिहास बनाते हैं, और जसवंत सिंह को इस काम के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। और
इसी तरह रानीगंज की कहानी और मिशन रानीगंज मूवी खत्म हो जाती है। ओवरऑल मिशन रानीगंज के इतिहास में 65 माइनर्स को बचाने में जिस तरह जसवंत सिंह ने मिशन को अंजाम दिया था और अपनी कहानी से लोगों को एंटरटेन किया है, सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को देखने के बाद इसकी तारीफ की है। बाकी आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Nice choice.